हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 26 में हम लोग पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि ये भी जो है एपिथेलियम टिश्यू का ही ये टाइप है। कॉलमनर यानी कि कॉलमन, पिलर लाइक, ये जो है पिलर लाइक जो है ये टिश्यू, ये मैंने टिश्यू होते हैं, और ये जो है फ्री पार्ट जो होता है वो ब्रश लाइक होता है और स्वीपिंग कराने में हेल्प करता है। अब ये टिश्यू जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सेक्रेशन का काम होता है, वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो मिलता है। जैसे हमारे स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलोन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, ओविडक्ट में, जिसे ओविडक्ट हो गया, तो ओविडक्ट जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब को हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग 8 क्लास में पढ़ लिए हैं। तो वहाँ पे जैसे ए का सेक्रेशन होता है ओवरी से, तो वो स्वीप करता है, बाहरता है और आगे की ओर जो है वो एक मूव करता है, तो इसी को कहता है कि माइक्रोविली। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा छोटा, और विली ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड पे भी उसको बनाया हुआ है कि तो फ्री एंड जो इसका होता है उसको हम लोग माइक्रोविली कहते हैं। वहीं जो है सेक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली होते हैं वो फिंगर लाइक होता है, वही जो है डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जर्ब करता है। तो इसलिए इसका फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन हो गया, सेक्रेशन यानी कि किसी चीज़ को सेक्रेट करना। तो यही जो है आज हम लोग को कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बोर्ड पे देखें, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, दीज सेल्स या दीज टिश्यूज आर टॉलर देन ब्रॉड, यानी कि पिलर के जैसा होता है, लंबा होता है बिल्कुल पिलर के जैसा। दीज आर पिलर लाइक, द न्यूक्लियाई आर टुवार्ड्स द बेस, यानी कि बोर्ड पे देखें, फिगर पे ये न्यूक्लियस जो है, ये बेसमेंट जो मेम्ब्रेन लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे आ गया, ये बीच में नहीं है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फ्री एंड्स ऑफ सेल्स हैज ए ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविली, तो यही हो गया माइक्रोविली हो गया ये सब। तो यही जो है स्वीपिंग का काम जो है कराने में हेल्प करता है, और जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियाई आर टुवार्ड्स द बेस, तो ये इसका बेस हो गया, इधर जो है मूव कर गया बेस। एंड समटाइम्स द फ्री एंड्स, ये हो गया फ्री एंड्स ऑफ द सेल्स हैज ए ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविली, तो इसी में माइक्रोविली में ब्रश जैसा दिख ही रहा है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं बता दिया कि दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, जो लिवर में होता है, एंड ओविडक्ट्स। और इसका फंक्शन क्या है, तो इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। और ये इसका फिगर हो गया कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का। तो इतना ही जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है। डेट्स ऑल।